मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आयोग आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के नए ब्लॉग में। तो मैं एक ऐसी लेवल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो कि जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती है। और दोस्तों, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हुआ यह भी कालीसिंध नदी है, और आगे चलकर मैं इन्हीं दोनों नदियों का संगम स्थल भी मैं आपको बताऊँगा जहाँ पर कालीसिंध नदी और आहू नदी आपस में मिली हुई है। कालीसिंध नदी दिखाई देगी क्योंकि मैं अभी कालीसिंध की पुलिया पर खड़ा हुआ हूँ। बने रहिए मेरी वीडियो में, और दोस्तों वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, अभी हम डैम पर पहुंच चुके हैं, और डैम का निर्माण नदियों के पानी को रोकने के लिए किया जाता है ताकि किसानों को समय समय पर पानी उपलब्ध करवाया जा सके। और दोस्तों, इस डैम पर 15 गेट लगे हुए हैं, और हमें नदियों के संगम स्थल को देखने के लिए गागरौन दुर्ग पे जाना पड़ेगा, और वहां से हम दोनों नदियों को देखेंगे। तो यहां पर तहखाने जैसे बने हुए हैं, और उधर अगर आप देखो तो परकोटा आपको दिखाई देगा, उधर भी हम चलेंगे। और अगर अभी हम एक ऐसे बुर्ज के ऊपर है जहाँ से आप दो नदियों का संगम स्थल देख सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दो नदियों का संगम स्थल जहाँ पर कालीसिंध नदी और आहू नदी आपस में मिली हुई है। दोस्तों, कहा जाता है कि कालीसिंध नदी और आहू नदी, यह दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश से राजस्थान में आ रही है। कालीसिंध नदी विंध्याचल की प्रवेश श्रेणी से निकलकर राजस्थान में आ रही है, और आहू नदी मध्य प्रदेश के सुसनेर के निकट एक गांव बना हुआ है। मेहंदीपुर से यह राजस्थान में के झालावाड़ जिले में प्रवेश करे, और गागरौन में इन दोनों नदियों का मिलन हुआ है। और अभी हम किले के सबसे ऊपरी वाले हिस्से पे ही जहाँ से आपको दोनों नदियों सही तरीके से देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपने दो नदियों के संगम स्थल को देखा, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। तो गाइज, मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।